بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القزاء والتقاضي وإرجاه المكيال والميزان

قال الله الله تعالى وما من فإن به عليم शाहानु का इर्शाद है तुम जो भी भलाई करोगे यकीनन अल्लाह इसे जानने वाला है तो इस आयत में फ़रमाया जा रहा है कि तुम जो माल खर्च करो या जो भी इबादत करो अल्लाह इसको अच्छी तरह जानते हैं अगर इखलास के साथ करोगे तो तुम्हें इसका बेहतरीन बदला मिलेगा और अगर अच्छे से अच्छा अमल भी रिया के लिए किया तो इसका कोई बदला नहीं मिलेगा बल्कि इस पर उल्टा पकड़ होगी शाशाद है ए मेरी कौम इंसाफ के साथ नाप तोल को पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीज़ें कम ना दिया करो शरीयत ने जहां हकूकल्ला की तरफ लोगों की रहनुमाई फरमाई है तो इसी तरह हकूकुल इबाद की तरफ भी रहनुमाई की तो इस आयत में इबाद के अहम मामला यानी नाप तोल के बारे में तंबीह की जा रही है वाली इरशाद है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है जो लोगों से खुद नाप कर पूरा लेते हैं मगर जब नाप या तोल कर दूसरों को देते हैं तो कम देते हैं क्या इनको यकीन नहीं कि वो एक बड़े दिन में उठाए जाएंगे जिस दिन तमाम लोग आलमीन के सामने खड़े होंगे तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो इस वक्त मदीने वालों की ये आदत थी कि जब खुद किसी से सौदा लेते तो नाप तोल कर पूरा पूरा लेते जब दूसरों को देते तो इसमें कमी करते तो ये आयत नाजिल हुई तो इससे वो बाज आए बल्कि ऐसे बाज आए कि आज तक अहल मदीना नाप तोल के पूरा देने में अब मशहूर है तो यहाँ पर भी अल्लाह पाक ने नाप तोल के बारे में फ़रमाया कि इसमें कमी न करो عليه وسلم يتقاذاه فاغلظ له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سني قالوا يا رسول الله لا نجد الا امثل من سني قال اعطوه فان خيركم احسنكم قزاء हजरत अब हुररा रज़ी से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम से तकाजा करने लगा और इसने आप से सख्त लहजे सख्त लहजा अख्तियार किया तो साहबा ने इसे सजा देने का इरादा किया बस आपने इर्शाद फरमाया इसे छोड़ दो इसलिए के हकदार को बात कहने का हक़ है फिर आपने फ़रमाया इसे इतनी उम्र का जानवर दे दो जितनी उम्र का जानवर इसका था सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इस जैसा तो हमको नहीं मिला बल्कि इससे बेहतर और ज्यादा उम्र वाला है आपने फरमाया वही इसे दे दो इसलिए कि तुम में से बेहतर वो है जो अदायगी में सबसे अच्छा हो तो इसमें फरमाया कि एक आदमी नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास आया तो इस आदमी से मुराद जैद बिन शाबा कनानी है जो बाद में मुसलमान हो गए थे फाग अलाजा लहू यानि उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया तो इसको आप अलैहि वसल्लम ने इस सख्त रवैये को बर्दाश्त किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक और आला ज़रफ़ और ख़ुश इखलाक जो है उसकी निशानी थी यानी आपने सख्त रवैये पर बुरा नहीं बनाया तो ये वही कर सकते हैं जिसके अंदर ये अख्लाक आला एबार से हों और एक नबी के अंदर इस तरह के अख्लाक पाए जाते हैं फिर आपने फरमाया ली हक की मकालन यानी हकदार को कहने का हक़ है तो इसके बारे में फरमाते हैं कि हक़ से मुराद कर्ज़ है यानी जो शख़्स किसी का कर्जदार हो तो अब कर्ज़दार उसके कर्ज की अदायगी में तखिर करे तो कर्ज़ खा को अख्तियार हासिल है कि वो सख्ती से तकाजा करे और नाराज़गी का इजहार करे ये इसका हक है यहाँ तक कि वक्त आने पर कर्ज़ ना अदा करना जो है अगर कर्ज नहीं अदा किया तो फिर दूसरा शख्स उसको हाकिम के सामने और अदालत में भी पेश कर सकता है तो आप वसल्लम ने फरमाया क़ज़ा यानी तुम में से बेहतर वो है जो अदायगी में सबसे अच्छा हो तो इससे मालूम हुआ कि मक्रोज अगर अपनी मर्जी से अदायगी के वक्त कर्ज से ज्यादा अदा करे तो यह बेहतर और मुस्तहब है और अगर साहिब माल यानी कर्ज़ खा की तरफ से ज्यादती का मुतालबा होगा तो यह सूद होगा और इसका देना भी हराम है और इसका लेना भी हराम है

नरमी का मामला करता है तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन मौक़ों पर नरमी का मामला करने वाले के लिए दुआ की तो इसके दो मतलब हैं पहला मतलब ये कि खरीदते वक्त ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे बेचने वाले को नुकसान न हो और इसी तरह बेचते वक्त ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे गाहक को नुकसान ना हो और दूसरा मतलब ये है कि खरीदते वक्त असल कीमत से कुछ ज़्यादा दे दे और जब फरोख्त करे तो गाहक को सामान झुकता हुआ दे व इज़क तजा यानी जब ख़ुद कर्ज़ की वसूली का मामला करे तो तब भी नरमी का मामला करे मतलब ये कि कर्ज की वसूली के वक्त अदबोराम से तजावज़ न करे और अगर गरीब हो तो इसको माफ़ कर दे और अगर माफ़ न करे तो कम से कम उसको मोहलत दे दे وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يَزْوَى عنه حضرت أبو قتادة رضي الله عنه فربايته كبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم جسكو پسند بسنه अल्लाह ताला इसको क़ियामत की बेचैनियों से निजात दे तो इसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या इस मकरूज को माफ़ कर दे तो फरमाया कि तंग दस्त को मोहलत दे तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बशारत दी कि अल्लाह इसको क्यामत की बेचैनियों से निजात देगा तो कर्ज की अदायगी में मोहलत देना या इसको माफ़ कर देना इसको बहुत अजर ववाब है बाज लोगों ने यह मतलब बयान किया कि ये तंग दस्त के तकलीफ़ को दूर कर दे यानी अपने पास से उसे इतनी रकम दे दे जिससे वो अपना कर्ज अदा कर दे तो ऐसा मामला करने से अल्लाह भी इसकी क्यामत के दिन बेचैनी और उसकी परेशानी जो है वो दूर फरमा देंगे

जब तुम किसी तंग दस्त के पास आओ तो इससे नरमी और दरगुजर का मामला किया करो शायद अल्लाह ताला हमसे भी दरगुजर से काम ले लें बस जब वो अल्लाह से मिला तो अल्लाह ने इसे माफ फरमा दिया तो यहाँ पर भी उस तंग दस्त को मोहलत देने और नरमी करने की फजीलत को बयान किया गया उलमा फरमाते हैं कि हर जगह पर नफल आमाल से फर्ज आमाल की फजीलत ज्यादा है मगर चंद मकाम ऐसे हैं जहां पर नफल और सुन्नत का सवाब फ़र्ज और वाजिब से भी ज़्यादा है और उनमें से एक ये है कि तंग दस्त और मुफलिस को माफ़ कर देना ये मुस्तहब है और इसको मोहलत देना यह फ़र्ज है तो यहाँ पर मुस्तहब का सवाब यानी बिल्कुल माफ़ कर देने का सवाब फ़र्ज से यानी उसको मोहलत दे देने से ज़्यादा है وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حُسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل नाहन बिजाली मिन हो तुआ हो हजरत अबू मसूद बदरी रन से रिवायत है के रसुल्लम ला ने फरमाया तुम में से पहले के लोगों में लोगों में से एक शख्स का हिसाब किया गया तो इसके पास इसके सिवा कोई निकी नहीं पाई गई कि वह लोगों से लेन देन करता भलाई में ताउन करने वाला था इसलिए कि इसने अपने गुलामों को हुक्म दे रखा था कि वो तंग दस्त से दरगुजर करें अल्लाह ने फरमाया कि हम दरगुजर करने के इससे ज़्यादा हक़दार हैं तो इससे दरगुजर करो तो इसमें इससे हमें पता चला कि जो शख्स भी अल्लाह ताला से अपने लिए उफ और दरगुजर का मामला चाहता है तो इसको चाहिए कि लोगों से उफ और दरगुजर का मामला करें तो अल्लाह ताला भी इसके लिए नरमी करेंगे और इसके गुनाहों को माफ़ करेंगे وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا ربي أتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواد, خلوك الجواد فكنت اتيسر على الموسر وانذر الْمُعْسِرِ فقال الله تعالى انا أَهَكُّ بذا منك تجاوزوا عن ابدي فقال عقبة بن امير وابو مسعود الانصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حزت هزيفه رضي الله عنه في अल्लाह के बंदों में से एक बंदा जिसे अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा था अल्लाह के सामने पेश किया गया तो अल्लाह ने इससे पूछा तूने दुनिया में क्या किया तो हजरत हुज़ैफा ने कुरान की आयत तलावत फरमाई वलायक तुम्न हदीसा कि वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेगा फिर वो बंदा जवाब देगा ए रब तूने अपने पास से अच्छा माल अता फरमाया था बस में लोगों के साथ खरीदो फरोख का मामला करता था मेरी आदत दरगुजर करने की थी पस में खुशहाल लोगों पर आसानी करता तंग दस्त को मोहलत देता था तो अल्लाह ने फरमाया मैं इस दरगुजर करने का तुझ से ज़्यादा हकदार हूँ और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि मेरे बंदे से दरगुजर करो इस पर बिन आमिर और अबू मसूद रजील्लाहुमा फरमाते हैं कि हमने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से इसी तरह सुनी तो इस हदीस में भी तंग दस से दरगुजर करने और अमीर आदमी पर आसानी करने पर अल्लाह की तरफ से भी दरगुजर का बदला मिला क्योंकि जजा भी अमल की जिन से होती है जो मामला दुनिया में करता था वही मामला अल्लाह ने इसके साथ क्या के दिन भी किया इस हदीस में जो फरमाया व फ़ाला अबबा बिन आमिर व अबू मसूद यानि उकबा बिन आमिर और अबू मसूद अंसारी रजी अल्लामा ने फरमाया तो नबी रही का ये कहना है कि ये उकबा बिन आमिर रजी से भी मरवी है और इसी तरह अबू मसूद से भी मरवी है और मुस्लिम शरीफ में भी इसी तरह लिखा वल्ला नबी रहल्ला ने मुस्लिम शरीफ ही से इसको इसी तरह रिवायत किया मगर हकीकत यह है कि अक्बा बिन आमिर रजी ला से इस मौजू पर कोई रिवायत मनकूल नहीं दरअसल हज़रत अबू मसूद मसूदारी रजील्हू का ही नाम अकबा बिन आमिर रजीद है और यहाँ एक रावी ख़ालिद को वहाँ हो गया कि इन्होंने अक्बा बिन अमर को अक्बा बिन आमिर बना दिया और फिर हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्ला तहू और अकबा बिन आमिर को अलग अलग तसवुर कर लिया हालांकि ये दोनों एक ही हैं

कि कया अब्सुल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे या इसको माफ कर दे अल्लाह ताला इसको क्यामत के दिन अपने अर्श के सामने की जगह देगा जिस दिन इसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा तो इसमें भी तंगदस्त को मोहलत देने की फजीलत बयान की गई रवाहु तिर्मिजी वक हदीस हसन उन सही

तो ये मुस्तहब है कि जब आदमी कोई चीज़ खरीदे तो देने वाला भी झुकता हुआ दे और लेने वाले को भी ये तालीम दी जा रही है कि वो भी कुछ जायद दे इस अमल में इनकी आपस में मोहब्बत और उल्फत ज़्यादा होगी और इस एक रिवायत में आता है कि आप अलैहि वसल्लम ने एक के रात ज़्यादा दिया था बाज़ मोहद्दी फरमाते हैं कि एक वाक की तरफ इसमें इशारा है वो वाक़ ये कि हज़रत रजी अल्लाह तहु का एक ऊँट सफ़र में चल नहीं रहा था आपने इसको हंकाया तो वो दौड़ने लगा आपने फिर फरमाया ये मुझे फ़रोख करो इन्होंने फ़रोख कर दिया और मदीना तक आने की इजाज़त ली मदीने में हजरत जाब रजी अल्लाह तहु ने जब वो ऊंट ला कर दिया तो आपने इसकी कीमत दी और इस कीमत से जायद रकम भी दे दी और साथ ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

जरत अबान सवैद बिन कैस रजी से रिवायत है कि मैं और मकरमा अबी हज़र की जगह से कुछ कपड़ा लेकर आए तो नबी सल वसम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमसे एक पजामे का भाव किया मेरे पास एक वज़न करने वाला आदमी था जो मुआवजे पर वज़न करता था नबी सल वसम ने इस वज़न करने वाले को फरमाया तोलो और झुकता हुआ तोलो इसमें फरमाया मिन हजर हजर बहरीन के करीब एक शहर है तो आप अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कपड़ा खरीदा और उसका भाव वगैरह कर लिया तो इससे मालूम हुआ कि पहले सौदा कर लेना ज़रूरी है इससे आपस के झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ये नहीं कि कहो ले लो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे तो इस तरह नहीं करना चाहिए तो आप अलैहि वसल्लम ने पजामा खरीदा खरीदना तो साबित है मगर इस्तेमाल करने की कोई रिवायत नहीं मिलती और इस हदीस से आप अलैहि वसल्लम की तवाजों और इंकसारी का भी बयान है कि आप खुद बनसे नफीस चल कर खरीदने के लिए तशरीफ़ ले गए और आपने फरमाया जिन वर्जे यानी तोलो और झुकता हुआ तोलो तो इससे मालूम होता है कि खरीदने वाला तयशुदा कीमत से कुछ जायद दे ये बेहतर और मस्तहब है और इसमें एहसान भी है और इससे माशरे में अच्छे असरात मुरतब होते हैं और आपस में मोहब्बत और उल्फत में इजाफा होता है उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के हर हुक्म अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए व बरकातहू